तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि देखो, ए पार्टिकल मूव, एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है, तो उसमें क्या है कि किसी भी इंस्टेंट अगर सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। मान लेते हैं कभी यहाँ पर है और ये स्टोन है जो एम मास का है, ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है। अब ये कहता है किसी भी इंस्टेंट इसकी स्पीड इधर है भी, ठीक है ना, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसकी स्पीड भाई साहब टेंजेंशियली होती इधर ही होती है, जब पार्टिकल यहाँ है तो ये स्पीड इधर है। भाई जाना तो चाहता है इधर, बच्चों इधर जाना चाहता है, पर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि स्ट्रिंग से एल लेंथ से बंधा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आज़ाद कर दिया जाए, इस स्ट्रिंग से लेंथ से आज़ाद किया जाए, तो वो हर पॉइंट पे किधर जाएगा यार? जिधर जाना चाहता है, टेंजेंशियली जाना चाहता है। इस अगर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग आपकी टूट गई, मान लेते हैं इस पॉइंट पे किसी ने स्ट्रिंग को काट दिया, तो इस पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग को काट दिया गया तो ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग को काट दिया तो ये स्टोन इस लाइन में ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे टेंजेंशियली इस टाइप से मूव करेगा और यहाँ जा ये इस टाइप से मूव करेगा, टेंजेंशियल मूव करेगा। जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग मूव करेगी टूट जाएगी, टेंजेंशियल मूव करेगी। ये जबरदस्ती इधर इसलिए मुड़ जा रहा था क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन था, वो इसको मोड़ देता था, सर्कुलर मोशन कराता था। दैट इज, यहाँ से सी ऑप्शन सही है।